आज जो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या, पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अपन बात करें तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेज सच एज गेस्टर्स बॉडीज लैंग्वेज पोस्चर टोन्स वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें मैसेज को सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज करने के लिए जिसमें वर्ड यानी हम बोले नहीं, ओनली कोई साइन, कोई सिंबल, कोई ड्राइंग, कोई आर्ट, कोई पेंटिंग, कोई ग्राफ, कोई कुछ भी इस टाइप से जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बॉडी लैंग्वेज, टच लैंग्वेज, स्पेस, टाइम, साइलेंस, ठीक है, साइन, ये सारे हमारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किस में आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीधे से बात है जिसमें हम कोई भी बोल के यानी स्पोकिंग वर्ड यूज़ ना करें या रिटन वर्ड यूज़ ना करें, उनकी जगह पे हम कोई पिक्चर्स, इमेज, साइन, कोड यूज़ करें, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास देखिए अलग अलग टाइप्स के, देखिए हम यहाँ पे आपको फेस दिखाते हैं जिनसे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। देखिए हमने सारी फेशियल एक्सप्रेशन, हेड, आई कॉन्टैक्ट, गेस्टर, पोस्चर है, बॉडी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए आप अगर हम बात करें फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन देखिए अगर हम किसी को बोले नहीं और मुस्कुरा दें तो वो समझ जाता है ये बंदा खुश है, किसी का मुंह लटक जाता है तो वो समझ जाता है कि आदमी दुखी है, सैड सैड फील। तो हमारे जो फेस से यानी जो हमारे हाव भाव देख के लोग हमारे समझते हैं कि इस बंदा खुश है, दुखी है, क्या है, वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, फेशियल एक्सप्रेशन। हमने किसी से बोला नहीं पर जो हमारा फेशियल है, जो हमारा फेस है, उससे लोग देख के हमारे समझ जाते हैं कि हमारे साथ कैसा क्या हो रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से लोग समझ जाते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो कम्युनिकेशंस होते हैं, देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखा रहे हैं, इन डायग्राम से आप समझ जाइए, हर एक डायग्राम का कुछ ना कुछ मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है। जैसे इसका मतलब ये हंस रहा है, ये देखो इसका, अगर इसकी बात करें जहाँ पॉइंट, इसका मतलब ये दुखी है, इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, ठीक है, इसने कुछ ही अजूबा देख लिया, कुछ इसने वाह वाली फीलिंग आ रही, तो अलग, ये चुप यानी साइलेंट का फीचर, तो अलग अलग एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि बंदा क्या कहना चाह रहा, सामने वाले का इम्प्रेशन क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे पास हेड, हेड से भी हम कभी कभी काम करते हैं, हेड से हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो हमने सिर हिला दिया, सिर को मूव यानी हमने अप डाउन कर दिया, अच्छा लगा तो हेड, हम मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी सिग्नेचर साइन को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। इसी तरह हमारे पास आई, अगर आई कांटेक्ट हमने किसी को आंखें दिखा दी, इसका मतलब हमने आंखें झपका दी या किसी आंखों से कोई इशारा कर दिया, तो आई कांटेक्ट भी हम लोगों से करते हैं, तो यानी हम अपनी आइज से भी लोगों के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेटर करते हैं। अगर देखिए डेंजर जोन, हमने किसी को आंखें फाड़ के दिखा दी तो वो समझ जाता है कि बंदा गुस्से में या इसका इंप्रेशन क्या है, तो हम उससे भी समझ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इंप्रेशंस हैं, देखिए इन इंप्रेशंस से हम समझ जाते हैं, जैसे हम थम्स इंप्रेशंस करते हैं, जैसे हमने किसी को मुक्का दिखा दिया किसका मतलब मारेंगे, या इसका मतलब हमने किसी आप ओके डन, ये हमने जो कहा कि किसी चुप, ये हमने देखिए अलग अलग इंप्रेशंस हमारे पास, इनसे भी हम समझ सकते हैं। क्लियर। स्पेस, शेप ऑफ बॉडी, बॉडी लैंग्वेज से भी हम समझ सकते हैं पर्सनैलिटी कैसी बंदे की, देखिए अलग अलग टाइप की बॉडी है, देखिए, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे ये सारे पॉइंट हमारे पास करते हैं। अगर हम टच लैंग्वेज की बात करें तो टच लैंग्वेज देखिए अलग अलग है, देखिए इनमें अलग अलग देखिए फीलिंग्स आ रही सारी, तो ये जितने भी इस टाइप्स के हम बोल नहीं रहे पर लोगों के साथ कम्युनिकेटिंग, जैसे हम कोई चीज़ अच्छी लगती है किसी को हम ठोक देते हैं, बहुत बहुत अच्छा किया, हम बोले नहीं, किसी का अगर कोई हमने कुछ भी करना है, इमोशंस दिखाने, अगर किसी को हमने क्या किया, ताली बजा दी, कुछ कर दिया, तो ये हमारे टच लैंग्वेज है, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज, टच, हम उसको किस टाइप से टच कर रहे हैं, तो हम उस लैंग्वेज, वो भी हमारा कम्युनिकेट का अर्थ, तो ये हमारा क्या है, ये भी कम्युनिकेशन का एक टाइप है, किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए डायग्राम से आपको दिखा रहे हैं, डायग्राम से आप समझ जाइए। क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ साइंस आते हैं, साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, अलग अलग साइन लैंग्वेज होते हैं, इनको हम विजुअल साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजुअल साइन लैंग्वेज, यानी किसी की ड्राइंग,
पेंटिंग या किसी के उसको देख के जो हम चीज़ समझते हैं वो हमारी कौन सी लैंग्वेज कहलाती है, साइन, विजुअल साइन लैंग्वेज कहलाती है। यह भी हमारा किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है विजुअल साइन लैंग्वेज अब देखिए विजुअल साइन लैंग्वेज हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कई टेलीफोन का आइकन, जैसे हमारे पास इसमें हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं इसे, अब देखिए इन विजुअल साइन लैंग्वेज में अगर कहीं आपने देखा होगा इस टाइप से वार्निंग वाला बना है, यहाँ पे बना है, इसका मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब क्या है, ये आपका पेट्रोल पंप है, यहाँ देखिए सिगरेट का आपका आइकन बना है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। आपने देखा हो कहीं कहीं ये आपका ऐसा लिखा रहता है, ये हड्डी के जैसा आइकन बना रहता है, इसका मतलब आप समझ जाते हैं क्या है, इसका मतलब है कि ये कैसा जोन है, डेंजर जोन है, कैसा जोन है, डेंजर जोन है, क्लियर। आपने देखो कहीं कहीं आपका मोबाइल का ऐसे साइन बने रहते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए ना, इसका मतलब क्या, ये आपको मोबाइल यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये देखिए आइकन बना रहता है, इसका मतलब क्या है, ये शावर का आइकन है, ये देखिए टेलीफोन का आइकन है, ये देखिए अलग अलग, यहाँ पे आपने देखिए टॉयलेट्स, आप जाते हैं टॉयलेट के बाहर, यहाँ पे देखिए इस टाइप की इमेज बने तो आप समझ जाते हैं गर्ल्स टॉयलेट है या बॉयज़ टॉयलेट, अलग अलग। ये देखिए इसका मतलब है कि ये किसके लिए, विकलांग के लिए, ठीक, हैंडीकैप लोगों के लिए, तो अलग अलग देखिए लैंग्वेज है। तो ये हमारी लैंग्वेज कहलाती है क्या, साइन लैंग्वेज कहलाती है, क्या कहलाती है, साइन लैंग्वेज कहलाती है, कौन सी लैंग्वेज कहलाती है, साइन लैंग्वेज। अब देखिए साइन लैंग्वेज, अब इसमें अपन आते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाते हैं आपको, ये देखिए साइन लैंग्वेज की, देखिए सारे, ये देखिए इस टाइप से, देखिए स्मोकिंग एग्जिट के लिए है, जू के लिए है, ये देखिए अलग अलग आइकन, ये देखिए हमारे पास, ठीक है, कीप डॉग्स, डॉग के लिए है, अलग अलग आइकन्स देखिए हमारे पास यहाँ पर, ये आपने देखा रोड पे चलते हैं, हाई वोल्टेज के लिए डेंजरस, ये देखिए जितने भी हमने ये दिखाई ये आपके कैसे लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है, क्लियर। ये हमारी क्या कहलाती है, विजुअल साइन लैंग्वेज, क्या कहलाती है, विजुअल साइन, जहाँ पे हम किसी को डायग्राम या पिक्चर्स देख के कोई चीज़ समझते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, विजुअल साइन। हिस्टोरिकल में भी आपने देखा होगा विजुअल साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आपने देखा हो किसी गुफा, मंदिर, इमारत, उनमें आपने देखा होगा उनमें पुरानी मतलब मौर्य काल की या किसी मुगल काल की आपने देखा नक्काशी होती है, उनमें तो आप समझ जाते हैं प्रतिमाओं देख के कि ये किस युग की है, क्या है, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, विजुअल साइन लैंग्वेज। अब विजुअल साइन लैंग्वेज की कुछ मेरिट्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी मेरिट्स हैं, मेरिट्स ऑफ ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के हमारे पास कौन कौन सी मेरिट्स हैं, तो अगर हम मेरिट्स की बात करें, मेरिट मतलब डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स की मतलब एडवांटेजेस या गुड, क्लियर। अब देखिए सबसे पहला एडवांटेजेस अगर बात करें तो फिक्स्ड मीनिंग मींस ऑफ मींस फिक्स्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप जो भी आप जो दृश्य होते हैं, जो हमारे पास डायग्राम होते हैं, उनके एक फिक्स्ड मीनिंग कम्युनिकेट का होता, उनका हम कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। कभी कभी शब्दों में क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं, पर अगर डायग्राम के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं तो उनका हमारा हमेशा एक ही मतलब निकलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो आपने देखा होगा जितने भी हम पोस्टर्स बनाते हैं या आपने होर्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग किसका कोई बोल के तो होर्डिंग का लगाते नहीं, या हम वहाँ मैसेज खड़े होकर बोलते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, इमेज लगाते हैं।
तो जो हमारे पास विजुअल साइन कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हम किसी भी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एजुकेशन, एजुकेशन वैल्यू। अब देखिए एजुकेशन की अगर बात करें तो ये जो लैंग्वेज हमारे पास है साइन लैंग्वेज, ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों प्ले के लिए बहुत, यानी जो हमारे पास किड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उनको अगर हम किसी चीज़ को, जैसे अपन क्या करते हैं उनको पहले ये डायग्राम से अपन उनको क्या दिखाते हैं, उनको अपन देखा होगा उनकी जो पिक्चर्स आती हैं, जो उनकी बुक्स आती हैं, आप लोगों ने बचपन पढ़े उनमें डायग्राम बहुत होते हैं। अपन उनको जैसे एलिफेंट का डायग्राम दिखा दिया, फिर अपन बताते हैं कि ये फॉर एलिफेंट होता है, एप्पल दिखा दिया, एप्पल का डायग्राम दिखा दिया, तो उनको समझ में आता है कि ये एप्पल बना और किसके मतलब होता है ये। तो जो एजुकेशन में छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आप लोगों के लिए भी रोल प्ले कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो ये सारे हमने यहाँ पे डायग्राम लिए हुए हैं, डायग्राम से आपको समझा रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है। हर एक पिक्चर्स का और एक मीनिंग अपने आप में क्या है, एक मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है, और उस मीनिंग को देख के आप इसको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब भी अपने आप में एक रोल प्ले करता है। तो एजुकेशन वैल्यूज भी इसकी है। दूसरा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, इसका नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब देखिए यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक भाषा, यानी कि ये जो भाषा है ये आपको, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी समझ लेते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो लोग भी इसको समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो डायग्राम देख के समझ लेते हैं, पिक्चर्स देख के समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये है। कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ हम लिखते हैं पर अनपढ़ आदमी उसको नहीं समझ सकता, अगर हम कोई डायग्राम बना दें उस डायग्राम, तो जो पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा होगा वो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि इसमें कैसे आपको इसका मतलब क्या है। तो ये आपके क्या हो गए, विजुअल साइन लैंग्वेज के क्या हो गए, मेरिट्स हो गए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या, लिमिटेशंस की बात करें, अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो पहला हमारे पास है इसकी लिमिटेशन, यूज फॉर सिंपल आइडियाज, यूज फुल फॉर सिंपल, यूज फॉर सिंपल आइडियाज, किसके लिए, सिंपल आइडियाज, आइडियाज। तो पहला हमारे पास जिसका है लिमिटेशंस कि हम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ों के लिए इसको हम नहीं बना सकते, उसको हमें लिख के ही समझाना पड़ेगा। ये जहाँ सिंपल आइडियाज हैं, जहाँ पे हम एक कोड में या एक लैंग्वेज में किसी बात को समझा सकते हैं, तो केवल वहाँ पे हम साइन लैंग्वेज तो यूज़ कर सकते हैं, पर किसी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो, उसको समझाना हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे ये हमारे लिए क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये हमारे लिए बड़ा दिक्कत वाला काम कर देगा, क्लियर। तो वहाँ पे हम इसको यूज़फुल, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं। दूसरा हमारे पास रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, रिक्वायर ग्रेट स्किल्स। अब देखिए विजुअल जो फोटो चित्र है या फोटोग्राफ है, पोस्टर्स है, अगर इस टाइप से हमें कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक स्किलफुल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो उससे पर्पज यानी उससे रिलेटेड जो मीनिंग है उससे रिलेटेड कोई डायग्राम या पोस्टर्स को बना सके। नॉर्मल आदमी तो बना नहीं पाएगा, हर आदमी के डायग्राम या बनाने के स्किल्स होती नहीं, तो उसको बनाने के लिए हम उसको क्या यूज़ करते हैं, इसमें हमें उसके लिए एक रिक्वायर्ड यानी स्किलफुल पर्सन की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका लिमिटेड स्कोप, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप क्या है, लिमिटेड स्कोप। अब देखिए लिमिटेड स्कोप की बात करें तो जो कम्युनिकेशंस है, विजुअल कम्युनिकेशंस है, वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, एक लिमिटेड एरिया होती है, जबकि हम ओरल कम्युनिकेशन में कितनी भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, पर इसमें हमारे पास क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। डायग्राम पिक्चर से हम कितना कम्युनिकेट, कुछ चीज़ें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट हम इससे नहीं कर सकते, तो इसका जो एरिया है वो हमारा कैसा है, लिमिटेड स्कोप, ठीक है। अब देखिए इसी में हमारे पास एक लैंग्वेज आती है ऑडियो साइन लैंग्वेज, ऑडियो साइन लैंग्वेज।
ऑडियो साइन लैंग्वेज, नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो, ऑडियो साइन लैंग्वेज। देखिए ऑडियो जो साइन लैंग्वेज है इसको हम सांकेतिक ध्वनि भाषा भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? सांकेतिक ध्वनि भाषा। इसका यूज हम प्राचीन काल में, यानी हिस्टोरिकल जो हमारे पूर्वज थे, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कोई मर जाता हुआ ढोल बजता, उल्टा ढोल बजता, उससे हम क्या समझ जाते हैं कि कोई ख़त्म हो गया। कहीं शादी की सहनाई बजने लगती है तो हम, अगर शादी ना हो रही पर सहनाई सुन के बजा देंगे, फलाने घर में क्या हो रहा, शादी हो रही। सहनाई, सहनाई सिर्फ क्या है, टोन है। आपने देखा युद्ध के लिए जब कोई जाता है, शंखनाद होता था, पहले शंखनाद क्यों होता था, अपन समझ जाते कि युद्ध होने वाला है। या किसी घर में शंख बजता है तो अपन क्या मैसेज आता है कि फलाने के आगे क्या हो रही, पूजा हो रही। तो ऐसे कामों के लिए हमारे लिए हम क्या यूज़ करते थे, ध्वनि संकेत यूज़ करते। जैसे अभी आपने देखा मिलिट्री वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए उनका अलग होता है। आपने देखा आपने जो अपने राष्ट्रगान है उसकी ध्वनि बजने लगती है, टोन्स बजने लगती है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशंस होता है ये हमारा कहलाता है क्या, ऑडियो साइन लैंग्वेज। यानी बोल, जहाँ पे हम बोल के करते हैं, कोई जैसे हमने कोई बताया प्यून को बुलाना है तो प्यून को बुलाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑफिस में घंटी होती है, बैल को प्रेस कर दिया, इसका मतलब हम किसको संकेत दे रहे हैं, प्यून को बुलाने के। चिल्लाते तो नहीं कि आ जाओ इधर आ जाओ। आपके घर के बाहर डोर बैल लगी होती है, आप उस डोर बैल को बजा देते हैं, तो इससे मतलब क्या कि बाहर गेट पे कोई खड़ा। तो इस टाइप के कम्युनिकेशंस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑडियो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम देखते हैं अलग अलग टाइप के। आपने देखा होगा कि कहीं आग लग जाती है तो आग से आग का सायरन बजने लगता है। आपने देखा एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस पीछे जा रही होती है, उसका सायरन बजने लगता है। कोई वीवीआईपी आता है तो उसकी लाइट्स, उन लाइट्स के भी अपन देख के बता देते हैं, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, अलग अलग लाइट्स का अलग अलग साइन होता है। तो इस टाइप, और उनकी जो टोन होती है, उन बजर हम बजाते हैं। आपने देखा गाड़ी में हम बजाते हैं, बजर लगा रहते हैं लेफ्ट राइट किस साइड, तो हमारी गाड़ी आवाज़, हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, बजाते कि नहीं, तो हॉर्न बजाते हैं। तो इससे समझ में आता है ये जो हमारे कम्युनिकेशन है, ये सारे कम्युनिकेशन हमारे क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन ऑडियो कम्युनिकेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑडियो कम्युनिकेशन हम इनसे यूज़ करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल बैल हम जहाँ पे भी इस टाइप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चाहे वो आधुनिक काल में हो चाहे वो प्राचीन काल में हो, जहाँ पे भी हम जिस टाइप का कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जिससे वेल आप समझ जाते थे कि इसका मतलब ये है, तो ये हमारा सारे क्या कहलाते थे, ऑडियो साइन कहलाते थे। क्या कहला, ऑडियो। अब देखिए इसकी अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स इसकी कौन कौन सी मेरिट हैं, एडवांटेजेस। देखिए एडवांटेज, मेरिट्स ऑफ ऑडियो साइन लैंग्वेज, एडवांटेजेस क्या, ऑडियो साइन लैंग्वेज के एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेजेस अगर बात करें इसका, क्विक कम्युनिकेशन। किसके लिए यूज करते हैं, क्विक कम्युनिकेशन, क्विक कम्युनिकेशन। यानी क्विक कम्युनिकेशन के लिए अगर किसी को तुरंत फास्ट बुलाना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, क्विक कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। यानी हमने जैसे चपरासी बुलाना तो हमने डोर बजा दी, बैल बजा दी, आ गया हमारे घर पे कोई खड़ा तो हमने बजा, तो ऐसे काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्विक कम्युनिकेशन होता है। यानी ध्वनि से हमारा कैसा कम्युनिकेशन होता है, क्विक कम्युनिकेशन होता है। दूसरा हमारे पास यूजफुल टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट हमारे पास है यूजफुल टाइम मैनेजमेंट। क्या है, टाइम मैनेजमेंट, यूजफुल टाइम मैनेजमेंट। यानी हम किसी से जैसे हूटर बजा दिया, सायरन बजा दिया, जैसे कभी कभी फैक्ट्री में क्या होता है, लंच टाइम होता है, हूटर बजने लगता है, सायरन बजने लगता है, तो इससे हमें किसी को पर्टिकुलर किसी पर्सन से जाके बताने की जरूरत नहीं, हमने एक सायरन बजा दिया, सबके पास मैसेज पहुंच गया कि अब लंच टाइम हो गया है या कोई इमरजेंसी है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम, यानी टाइम हमारा बच जाता है, इसको हम पर बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। क्लियर? अब इसकी हम बात करते हैं, एक और देखता है यूजफुल ऑफ इमरजेंसी, यूजफुल ऑफ
यूजफुल ऑफ इमरजेंसी, यानी जब हमारे पास कोई आपातकाल आना, तो कारखाने जैसे आग लग गई, कुछ लग गया, तो वहाँ उनके रेड लाइट जलने लगे, उनके हूटर बजने लगे सारे, तो इस ऐसी कंडीशंस के लिए हमारे पास ऑडियो साइन लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लिमिटेशंस है, अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशंस है, पहला तो हमारे पास इसमें एक ही हेडिंग आ जाएगी, लिमिटेड स्कोप, सब जगह इसका यूज नहीं किया जाता। स्कोप इसका कैसा है? लिमिटेड। कैसा है? लिमिटेड स्कोप है पहला लिमिटेड, और दूसरा हमारे पास मिसयूज। तीसरा हमारे पास इसका क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? मिसयूज। मिसयूज कैसे होता है इसका? जैसे अब मान लो आग नहीं लगी, किसी ने बजा दिया, हड़ताल के लिए घंटी बजा दिया, कुछ कर दिया, मान लो कोई बार बार हमारे पास डॉली जो बैल डोर बैल लगी उसको बजा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हमें परेशान करने के लिए, तो इस टाइप का जो हमारे पास कम्युनिकेशन, तो इससे लोग हमारे उसका क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। तो आज जो हमने आपको बताया ये जो विजुअल साइन लैंग्वेज और ऑडियो साइन लैंग्वेज, ये सारे हमने आपको किससे बताया? अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारा टॉपिक क्या था? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, फिर कोई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा जरूर। थैंक यू।